हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप वाली शिकायत अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, इसकी जांच के आदेश भारत निर्वाचन आयोग को दिए जाएं। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत ईसीआई को की थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने उन 20 सीटों पर दोबारा से चुनाव कराने की मांग की है। बता दें कि ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा चुकी है। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार कह चुके हैं कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, उनके नतीजे एकदम सही हैं, इसमें कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से ये याचिका दायर की गई है और कोर्ट को कहा गया है कि ईसीआई ने ईवीएम के माध्यम से हरियाणा में चुनाव कराए हैं और उसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ ईवीएम 60-70 और 80% से कम बैटरी पर काम कर रही थी। कुछ ईवीएम में काउंटिंग वाले दिन 99% बैटरी थी। इसके साथ ही हरियाणा में मतगणना के दौरान कुछ पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग और काउंटिंग के दौरान ईवीएम की गड़बड़ी भी पकड़ी गई थी। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर वहां के चुनाव अधिकारी से शिकायत भी की, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।